हेलो गाइस, वेलकम टू माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट के सिलेबस, जो 22-23 सेशन के लिए है, जिसमें मैं हिंदी टेक्स्ट बुक और हिंदी व्याकरण दोनों के सिलेबस आपको बताऊंगी। क्लास फर्स्ट में दो हिंदी बुक्स चलते हैं, पहला रहता है हिंदी टेक्स्ट बुक और दूसरी बुक हिंदी व्याकरण की रहती है। हिंदी टेक्स्ट बुक रिमझिम रहती है, जिसमें बच्चों को कविता और कहानियाँ उसमें रहते हैं टेक्स्ट बुक में, जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसे रीडिंग करना सिखाया जाता है। साथ ही उस चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी या अदर क्वेश्चन आंसर या उस चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज़ रहती है चैप्टर से रिलेटेड वो करवाए जाते हैं। उसके अंतर्गत उन्हें कठिन शब्दों को लिखना बताया जाता है, रिक्त स्थानों को भरना, प्रश्न के उत्तर दें, समान शब्दों को मिलाएं, इस तरह के प्रश्न उत्तर और इस तरह के अदर अदर एक्टिविटी उन्हें कराया जाता है। और साथ ही क्लास में उन्हें चैप्टर से रिलेटेड स्टोरी या कविता पढ़ने के बाद ओरल क्वेश्चंस या उससे संबंधित बातें क्लास में समझाई जाती है, जिससे कि बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और दूसरा बुक्स उनका होता है हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण की बुक हर स्कूल में अलग अलग चलती है। मैं यहाँ पर एक CBSE स्कूल की हिंदी व्याकरण की बुक की सिलेबस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए उसे हम देखते हैं। हिंदी व्याकरण में उन्हें पहला टॉपिक रहता है वर्ण एवं वर्णमाला। इसके अंतर्गत स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो कि पहले भी प्रीवियस क्लास में बच्चे कर चुके होते हैं, उन्हें वापस प्रैक्टिस करवाई जाती है। अ से अह तक के शब्द हो जाते हैं स्वर वर्ण और क से क्षत्रज्ञ तक के वर्ण हो जाते हैं व्यंजन वर्ण, जिन्हें लिखना और पढ़ना उन्हें सिखाया जाता है। और इस क्लास में आते आते उन्हें मात्राओं को पहचानना अच्छे से बताया जाता है। फिर बिना मात्रा के शब्द करवाए जाते हैं, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द करके उन्हें स्टेप बाय स्टेप बिना मात्रा के शब्द की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पहले दो शब्द करवाए जाते हैं, फल और फल, नल और नल, इस प्रकार इन्हें बोलना और लिखना सिखाया जाता है। फिर तीन शब्द हो जाते हैं, कलम और कलम, पकर और पकर, इस प्रकार बोलना और लिखना दोनों उन्हें साथ साथ अभ्यास कराए जाते हैं। फिर चार शब्द के अक्षर इन्हें करवाए जाते हैं, इस प्रकार उन्हें अभ्यास, फिर हर चैप्टर से रिलेटेड इन्हें अभ्यास करवाए जाते हैं। जैसे चित्र को देखकर उनके नाम पूरा कीजिए, जैसे क ल ष तीन अक्षर के हो गए, शब्द बनाइए, दोबारा लिखिए, इस प्रकार के इन्हें चित्र को देखकर बीच में एक अंक छूटे रहते हैं। तो दो शब्द, तीन शब्द और चार शब्द की मात्रा बिना मात्राओं के शब्द इन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसी प्रकार इन्हें आ की मात्रा के शब्द कौन कौन से होते हैं और आ की मात्रा कौन सी होती है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाई जाती है। इन्हें बोलकर आ की मात्राओं के शब्द रहते हैं जिन्हें बोलना और उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है। इसी प्रकार इस चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास करवाए जाते हैं, चित्र को देखकर रिक्त स्थान भरना, चित्र को उसके नाम के साथ मिलाना, चित्र के साथ सही नाम निशान लगाना, इस तरह के इन्हें अभ्यास कराए जाते हैं, जिससे कि उन्हें मात्रा का ज्ञान अच्छे से हो जाए। उसी प्रकार सभी मात्राओं के, जैसे ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, हम इस प्रकार मात्रा लगाएंगे, इन्हें पढ़ना, बोलना और लिखना तीनों सिखाया जाता है। फिर चैप्टर वाइज इनकी अभ्यास अच्छे से करवाई जाती है। फिर इन्हें ये अभ्यास, चित्र को देखकर रिक्त स्थान को भरें, ई की मात्रा लगाकर पढ़ें, इस तरह के अलग अलग अभ्यास जो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं हर मात्राओं के अभ्यास कराए जाते हैं, ताकि इनके अभ्यास अच्छे से हो जाए। इसी प्रकार इन्हें अह की मात्रा की प्रैक्टिस इसी प्रकार करवा के इन्हें अभ्यास करवाए जाते हैं। फिर ये हो जाते हैं प्रातः, पुनः, दुख, नमः, इस प्रकार के शब्द भी उन्हें करवाए जाते हैं। नेक्स्ट छंद बिंदु कहाँ कहाँ लगते हैं ये कुछ बोलकर पढ़कर इन्हें लिखना सिखाया जाता है। और हर चैप्टर से रिलेटेड उनके अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो उनकी उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ ही इन्हें संयुक्त वर्ण की भी प्रैक्टिस अच्छे से करवाई जाती है चित्र के साथ, और इनसे संबंधित अभ्यास करवाए जाते हैं। र के रूप की प्रैक्टिस करवाई जाती है, रेफ कहाँ होता है, पदेन कौन कौन से शब्द में लगते हैं, ये सारे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर अभ्यास चैप्टर से संबंधित अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न रहते हैं उनके अभ्यास कराए जाते हैं। नेक्स्ट इन्हें गिनती, हिंदी में
हिंदी में गिनती उन्हें 1 से 20 तक, 20 तक गिनती इन्हें करवाई जाती है कि हिंदी में हम कैसे लिखेंगे और हिंदी अंक कैसे लिखा जाता है, 20 तक ये इन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट इन्हें जो है दिनों के नाम करवाए जाते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस प्रकार इन्हें ये सप्ताह के नाम लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। नेक्स्ट इससे संबंधित क्वेश्चंस हो जाते हैं, सोमवार के बाद क्या आता है, बुधवार और शुक्रवार के बीच क्या, बीच में क्या होता है, इस प्रकार इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट इनका हो जाता है महीना, महीनों के नाम, इस प्रकार इन्हें 12 नाम लिखना और बोलना सिखाया जाता है। और फिर इनसे संबंधित अभ्यास में क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं, प्रश्न दिए रहते हैं, वो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट फिर इन्हें वचन बताया जाता है, एक वचन, अनेक वचन, या एक वचन बहुवचन भी कहा जाता है, जिसे अनेकों, एक, अनेक, तारा, तारे, एक से ज़्यादा वस्तुएँ रहते हैं तो उसमें तारे हो जाते हैं, मात्रा कैसे लगती है, केला, केले, इस प्रकार के उन्हें शब्द की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नेक्स्ट हो जाता है लिंग, लिंग पुलिंग और स्त्रीलिंग दो शब्द होते हैं, पुलिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुषों के लिए होते हैं, जैसे लड़का, दादाजी, और स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं जो लड़की के लिए लगते हैं, स्त्री के लिए लगते हैं, जैसे लड़की, दादाजी, इस प्रकार के इन्हें शब्द की प्रैक्टिस कराई जाती है, नाना, नानी, बेटा, बेटी। फिर इन्हें विलोम शब्द करवाया जाता है, जैसे काला, सफ़ेद, खुश, उदास, हंसना, रोना, इस प्रकार के शब्द उन्हें याद करवाए जाते हैं और लिखना सिखाया जाता है। फिर कुछ रचनात्मक कार्य करवाए जाते हैं, जैसे मेरा परिचय, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा नाम, ये ब्लैंक छुटा रहता है, ये मैंने अपनी बेटी की बुक लिखी है जो फिलअप किया हुआ है, जैसे यहाँ पे नाम लिखना बच्चों को। फिर यहाँ लिखा हुआ मेरे विद्यालय का नाम है, यानी बीच में अपने विद्यालय का नाम लिखना है, मेरे पिताजी का नाम है, बीच में अपने पिताजी का नाम लिखना है, यानी एक एक शब्द भरना उन्हें रिक्त करना सिखाया जाता है चित्र को देखकर। फिर इसी प्रकार देखिए ये चित्र के द्वारा इन्हें शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना सिखाया जाता है, जैसे रवि और कैली मित्र हैं, ये शब्द दिया हुआ है, दोनों कक्षा एक में पढ़ते हैं, फिर रवि को क्रिकेट खेलना पसंद है, इस प्रकार बच्चों को चित्र देखकर रचनात्मक कार्य करवाए जाते हैं। फिर इस क्लास में इन्हें छोटी छोटी स्टोरी भी करवाई जाती है और उन्हें मोरल शिक्षा क्या मिलती है ये बताया जाता है, और लास्ट उन्हें रचनात्मक कौशल के अंतर्गत चित्र लेखन भी कराया जाता है, जैसे चित्र देखकर इस चित्र में कौन कौन से शब्द हैं उन्हें लिखना बताया जाता है, कौन कौन से शब्द, कौन कौन से चीज़ यहाँ दिख रहे हैं उसे उन्हें लाइन से लिखना, वाक्य में या शब्द में लिखना बताया जाता है। तो ये हो गया पूरा क्लास फर्स्ट का हिंदी ग्रामर एंड हिंदी के सिलेबस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।